हे गाइस, आई एम राज फ्रॉम टेक सिक्योर। गाइस, सब कुछ कंफर्म होने के बाद, प्री रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे फिर से न्यूज़ आ रहा है, पबजी बैन हो सकता है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का एक MLA ट्विटर में एक लेटर पोस्ट किया है जिसमें लिखा है, ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ये पबजी से थोड़ा डिफरेंट है, पबजी को थोड़ा मॉडिफाई करके, नेम को चेंज करके ये रीलॉन्च किया जा रहा है। वो लेटर में और भी लिखा है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में 15% शेयर अभी भी है टेंसेंट का। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या सही में गेम बैन हो जाएगा? तो गाइस, मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहूँगा, गेम बैन होने का थोड़ा बहुत तो चांस है, बट यहाँ पे उससे भी ज़्यादा चांसेस है बैन नहीं होने का। जिसने ये लेटर को लिखा है वो एक पार्लियामेंट का मेंबर है, इसके लिए मीटिंग तो ज़रूर एक होगा, और मीटिंग में शायद क्राफ्टन का किसी भी आदमी को आना पड़े और उनको ये टॉपिक क्लियर भी करना पड़ सकता है। बट इसके लिए मुझे पर्सनली नहीं लगता है गेम बैन हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से गेम के ऊपर काम कर रहा है क्राफ्टन। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है, अभी भी 15% शेयर टेंसेंट का है। हाँ गाइस, अभी भी 15% शेयर टेंसेंट का है, बट यहाँ पे टेंसेंट कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता है गेम में। पिछले बार जब गेम बैन हुआ था तब टेंसेंट का हाथ था गेम का सर्वर में, गेम का डेवलपमेंट में, बट इस बार गेम को सिर्फ क्राफ्टन ने डेवलप किया है। यहाँ पे टेंसेंट सिर्फ यहाँ पे शेयर को खरीदा है, क्योंकि यहाँ पे शेयर खरीदा बेचा जा सकता है, ये एक बिजनेस है। एक गेम है फ्री फायर जो बहुत ही फेमस गेम है, उसमें टेंसेंट 25.6% शेयर को खरीद के रखा है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस गेम का कोई भी डेटा वो लीक कर पाए, कोई भी डेवलपमेंट ऑप्शन में वो दखलदारी दे पाए। तो गाइस, कोई भी ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है कि ये गेम 100% बैन नहीं होगा, बट मुझे लगता है, पर्सनल मुझे लगता है गेम बैन नहीं होगा। एक दो वीक में गेम लॉन्च भी होने वाला था, तो सिर्फ ये हो सकता है गेम लॉन्च में थोड़ा डिले हो सकता है। तो पहले भी गेम बैन हो चुका है, तो क्राफ्टन ने सभी रूल्स को अच्छे से फॉलो किया होगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट क्राफ्टन यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका है। बट गाइस, यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया मतलब क्राफ्टन का भी यहाँ पे गलती है, क्योंकि आप अगर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हो तो आप वहाँ पे देख पाओगे, बीच बीच में कभी कभी वहाँ पे ऑटोमेटिक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ होता है, पबजी। भाई पबजी तो इंडिया में बैन हो चुका है, तो पबजी कीवर्ड क्यों आप लोग यूज़ कर रहे हो? इसका एक वजह ये हो सकता है, पबजी का कीवर्ड का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है, पबजी को सभी जानता है बट बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को कोई नहीं जानता। तो इसके वजह से हो सकता है वो लोग पबजी कीवर्ड यूज़ कर रहा है, बट ये गलत है। और एक गलती उन्होंने किया है, जो प्री रजिस्ट्रेशन का लिंक आप लोगों को देखने को मिला था प्ले स्टोर में, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे आप लोगों को लिंक में एक जगह पे पबजी ये कीवर्ड था। क्यों रहेगा ये कीवर्ड? क्योंकि पबजी कीवर्ड को ही यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए था। तो गाइस, आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है, गेम यहाँ पे बैन हो सकता है क्या, गेम बैन यहाँ पे नहीं होगा? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यही था आज का अपडेट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो लेटर्स था वो लेटर्स को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो लेटर आप लोग पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।